बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्दाना कमज़ोरी समेत 300 बीमारियों का मुकम्मल इलाज। सहनजाना एक तिलिस्माती पौधा, जाने इसके फ़ायदे और इलाज का आसान तरीका। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, ई, बी, थायमीन, नाइसन, पोटेशियम, फोलेट, एस्कोरबिक एसिड और आयरन समेत 160 मदनी अज्जा पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये 300 अमराज में फ़ायदा देती है। सहनजाना को इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब ये है कि आप इसके पत्तों को पीस कर पाउडर बनाकर घर में रख लें और रोज़ाना निहार मुँह गर्म पानी या नीम गर्म पानी के साथ एक चम्मच फाँक लें। सहनजाना की चाय पीने से भी जिस्म में ताकत पैदा होती है। इसको दूध के साथ पीना भी बहुत फ़ायदेमंद है। खाने में मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सहनजाना में कैल्शियम दूध से भी ज़्यादा पाई जाती है। वो बच्चे जिनकी हड्डियाँ मजबूत नहीं हैं या वो लोग जो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गए हैं, इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करें। ये जिस्म में हैरत अंगेज तौर पर हड्डियों की मजबूती का काम करती है। मर्दाना कमजोरी एक आम मर्ज है जिसके मुतल्लिक अक्सर मर्द हजरात बात करते हुए घबराते हैं, लेकिन इसका इलाज सहनजाना में मौजूद है। ये आपके हार्मोन को बूस्ट करने का काम करता है। इसको रोजाना रात सोने से कबल गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना इस मर्ज में मुफीद साबित हो सकता है। वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं लेकिन कम दूध आने की वजह से परेशान हैं, उन्हें चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये दूध में इजाफा भी करता है और माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहतरीन दुआ है। सहनजाना हर किस्म के अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाला अज्जा है, इसलिए इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ये चुटकी भर सहनजाना पाउडर फांक लें। ये दोनों सूरतें आपके लिए मुफीद हैं।